मुरादाबाद जनपद के विकासखंड मुंडा पांडे ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत स्योरा बाजे गांव से आधा दर्जन से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते टू व्हीलर फोर व्हीलर पैदल यात्रियों व स्कूल आने जाने वाले बच्चों को मुख्य मार्ग में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाने से खासा परेशानियों का सामना कर बमुश्किल अपना सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं मुख्य मार्ग के दोनों साइडों से बनी मार्केट दुकानदार स्वामियों को भी जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाने से दुकानदारी ना होने के चलते उनकी दुकानदारी पर भी काफी प्रभाव पड़ा है और दुकानदारी ना होने से दुकानदार नाराज नजर आ रहे हैं। यात्री व क्षेत्रवासियों ने मुख्य मार्ग में हुई जलभराव की समस्या को खत्म करवाने की पीडब्ल्यूडी विभाग और क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य नेताओं से भी शिकायत की, लेकिन इस जलभराव की समस्या पर किसी भी सरकारी अधिकारी या नेता ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इस मुख्य मार्ग में जलभराव की समस्या उत्पन्न है। लोगों को परेशानी का सामना कर जलभराव से होकर गुजरना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई बार इसमें बाइक चालकों की बाइक फिसल कर गिर जाती है और वे चोटिल हो जाते हैं। जलभराव से तरह तरह की क्षेत्र में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इस मुख्य मार्ग की जलभराव की समस्या को खत्म कराएं ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो और वे सहूलियत के साथ अपना सफर तय कर सके। ये जो आपकी दुकान के आगे जलभराव की समस्या है, ये किस तरह से? ये सर यहाँ पे इस तरह से है कि ये कम से कम 8 साल से दिक्कत है यहाँ पे। जब भी यहाँ पे बारिश होती है ये पानी अक्सर यहाँ पे भर जाता है और यहाँ पे कोई किसी की देखरेख नहीं है, सब आते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आ रहा है, कब एक तो कपड़े सिलने हैं, गाड़ी बंद हो रही, दिक्कत हो रही है, और ये गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है जिसके कारण लोग बीमारी हो रहे हैं यहाँ पे। कांवड़िया, इस टाइम कांवड़ यात्रा चल रही है, वो कैसे निकल रही है? वो बेचारे बड़ी दिक्कत से यहाँ से जा रहे हैं। क्या मांग करना चाहोगे तुम? तो हम यही चाहेंगे यहाँ तो या तो रोड डलवाई जाए या तो इस पानी का निकास करा जाए। कहीं पर कोई मांग की है किसी प्रधान से या विधायक से इसे साफ कराने की, पड़वाने की, ऊंचा करने? कई जन आए हैं, फोटो खींच के भी ले गए हैं, नोटिस भी दिया है, एप्लीकेशन भी दी है, तो भी कुछ नहीं हुआ। अखबारों में भी देखा। अच्छा, कितने दिनों से उत्पन्न है ये जलभराव? ये कम से कम यहाँ तो 2 महीने से। इस जब भी बारिश पड़ती है ये ऐसी रलम बैला हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, बाइक टू व्हीलर फोर व्हीलर किस तरह की पैदल यात्रियों को भी समस्या यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है? जो भी लेडीज आ रही है बाइक के संग, पहले तो डर रहे हैं कि यहाँ गड्ढा ना हो किसी संग में, तो लौट के बजरी पैंट तो होके निकल रहे हैं, और जो बेचारे मजबूर है बाइक बंद हो जा रही है, वो बच्चे से बेचारे खींचते बाइक लेके जा रहे हैं हम यहाँ के तक। कारोबार ठप पड़ा है और यहाँ बैठे हैं 2-3, 2.5 महीने से हम कुछ ना कारोबार कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। किस तरह की दुकानदारों को समस्या उत्पन्न हो रही है? ग्राहक नहीं आ रहे? तो यहाँ पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं साहब, वो लोग बहुत ही परेशान हैं, बाहर निकल के बैठ रहे हैं उसको, और कुछ नहीं कर रहे हैं। दुकान जो यहाँ पे जो दुकान वाले हैं साहब, उनको तो किराया पूरा चाहिए अपने हर समय। अब यहाँ बैठे हैं, दिक्कत बहुत आई, ना तो ग्राहक आ पा रहे हैं ना हम भी, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं यहाँ पे। बाइक अंदर लगा रहे हैं, बाइक हमारी समझ आ रही है। अब कितनी जल्दी पानी की समस्या दूर हो जानी चाहिए? ये भैया जल्द से जल्द कर देना चाहिए, क्योंकि कांवर लोग भी आ रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं यहाँ पे, आने छींटे लग रही हैं, इस वजह से ये जल्द से जल्द करवा दी जाए। लमसम 1.5 साल से है। अच्छा जी, और ये खवड़िया बरवाला और खाईखड़े तक जाना है ये रोड। कितने गाँव में? लमसम 3-4 गाँवों से मिल जाएगा। कैसे हालात है इस टाइम? बहुत बुरे हालात है इसके। कितना कितना पानी? पानी लमसम इसका परियों तक पानी है इसमें। कोई मरीज, स्कूली बच्चे कैसे निकल रहे हैं? बच्चे तो मार्केट में वो बहुत दिक्कत से निकल रहे हैं इसमें। मरीज, जो मरीज अगर कोई इमरजेंसी में ले जाना पड़ता तो क्या ऐसे हालातों से गुजरना पड़ रहा? बहुत बुरे हालात हैं। क्या मांग करना चाहोगे तुम? इसका रोड टलना चाहिए, और कई बार हमने करा भी दिया है इसका, पर कोई वो नहीं हुआ है। कोई अधिकारी देखने आया अभी तक? कोई पीडब्ल्यूडी विभाग से पानी निकलवाने या कुछ निकलवाने? पानी निकलवाने तो नहीं आया, बाकी वीडियो काफ़ी बन चुकी है इसकी, और अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है इसकी। जी, शिकायत वगैरह की है किसी से आपने? हाँ, विधायक साहब से हुआ था, अब तो काम चल रहा है इधर, मतलब नाली उली बन रही है, बाकी अभी इधर काम नहीं हुआ कुछ। अच्छा, प्रधान से भी सफाई को पानी की कुछ कही थी उसने? हाँ, एक आधक बार पानी निकलवाया, बाकी हम मार्केट वाले लोग पैसे इकट्ठे करके इंजन से भिजवाते हैं पानी। इसका कोई रास्ता नहीं है इस पानी निकासी के? ना ना ना, कोई नहीं। तो ये तो इससे बीमारियाँ भी उत्पन्न हो रही होंगी? हाँ, बहुत बदबू आती है बहुत ज़्यादा, इधर उधर ट्रैक्टर निकलते हैं इधर को, तो दुकानों पर पानी चढ़ता है, ऊपर को ट्रैक्टर कोई चीज़ निकलती है तो पानी ऊपर को आ जाता है इसको। ये पानी साफ होना चाहिए ना? पानी बहुत ज़रूरी है इसका साफ होना, दुकानदारी नहीं है बिल्कुल भी इससे। तो इसमें लोग भी गिर के चोटिल हो रहे होंगे? हाँ, सब काम हो रहा है इसमें तो सर, और कोई नमाज वाले कोई कपड़े निकल कर सकता, कपड़े वपड़े ख़राब हो रहे हैं नमाज वाले। अगर जैसे कांवड़िया आ रहे हैं तो वो भी इसमें भी निकल के जा रहे हैं? हमारे यहाँ सब कुछ, इसमें सब कुछ प्रशासन नहीं देख रहा? ना ना ना।